निरीक्षक महोदय ने अपने उद्घोषणा में बताया कि अम्बेडकर चेतना परिषद का प्रारंभ आप लोगों ने ही किया है, यह सही है। आज इस अम्बेडकर चेतना परिषद को बहुत ताकत देने का काम डॉक्टर विजय कुमार कुलकर्णी जी ने किया है और हम लोग उनके साथ चलते आ रहे हैं। तो मुझे 13वां वार्षिक सम्मेलन में आने के बाद दो व्यक्तियों के ऊपर नजर जा रहा है। वह पहला विजय गौतम, जो मऊ में इनसे मुलाकात हुई थी, हम लोग गढ़वा से चलकर बनारस होते बनारस मऊ गया था, हम लोग नींद के मारे माते हुए थे। अंतिम भाषण इनका जब सुनने की बात आई तो सब हम लोगों ने नींद खुल गई, यह बात सही है। और आज इनके भाषण को सुनने के बाद, इनकी बातों को सुनने के बाद महिलाओं और पुरुषों को, जैसा कि उद्घोषक महोदय ने कहा कि रात भर आप सबों को नींद नहीं आएगी, ये विद्या गौतम कहां से चल के आई हैं हमारे झारखंड की धरती पर, यह हम लोग सौभाग्यशाली हैं। उसके ऊपर मैं चलता हूं, जो भारत के भाग्य विधाता, जो कलमों से लिखकर भारत को संविधान दिया, विश्व के बहुत सारे राष्ट्र आजाद हुए थे, कई वर्ष संविधान बनाने में लगा था, लेकिन भारत का एक पहला ऐसा व्यक्ति जो लगभग 3 वर्षों में संविधान बनाया, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके प्रपौत्र डॉक्टर राजरतन अशोक अम्बेडकर जी को हम लोग पाकर आज गौरवान्वित हैं। मुझे भाषण करने का आदेश निर्देश नहीं है, एज ए महासचिव मुझे प्रतिवेदन पेश करना है। आप सभी जानते हैं कि अम्बेडकर चेतना परिषद ...2007-08 में रजिस्टर्ड संस्था है और यह संस्था प्रत्येक वर्ष वार्षिक सम्मेलन किया करता है और ऑडिट के माध्यम से लेखा जोखा भी प्रस्तुत करता है। तो मैं वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर यह बताना चाहता हूं कि अप्रैल से मार्च तक अम्बेडकर चेतना परिषद निरंतर प्रयास करते रहता है कि आप आगे बढ़ते रहें। स्थान अनुमंडल हुसैनाबाद ग्राउंड आज झारखंड की धरती पर 17 फरवरी 2019 वार्षिक प्रतिवेदन के लिए मैं उपस्थित हूं। अम्बेडकर चेतना परिषद झारखंड विगत 12 वर्षों से सामाजिक क्रांति के मसाल को पूर्ण निष्ठा, त्याग, भावना और आत्मविश्वास के साथ प्रज्वलित करता रहा है। श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का खात्मा और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा न्याय पर आधारित आदर्श समाज की स्थापना तथा आर्थिक गैर बराबरी का अंत परिषद मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि विद्या गौतम जी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि गैर बराबरी को दूर करना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में परिषद वैज्ञानिक शिक्षा और मानववाद के प्रचार प्रसार के साथ वैसी सामाजिक कुप्रथाएं या परंपराएं जो महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ है, उसका जोरदार विरोध करती रही है अम्बेडकर चेतना परिषद। अलगाववादी ताकतों द्वारा हिंदू राज की अवधारणा को थोपने की प्रवृत्ति का परिषद जोरदार विरोध करती है तथा लोकतांत्रिक पद्धति और समता मूलक भारतीय संविधान में अटूट विश्वास करती है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कथन में अटूट विश्वास करते हैं, क्या गणतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है जो मानववाद की जड़ों को मजबूत करती है।
द्रविड़ समाज, बहुजन समाज, सांस्कृतिक उत्सवता की स्थापना के में अमूल्य योगदान हेतु ऐसे भीम मिशन सैनिक का निर्माण करना जो दया समर्पण के साथ मिशनरी दायित्वों को निर्वहन के जोखिम उठाने के लिए सदैव तत्पर है। हमारा संविधान संवैधानिक अधिकार अक्षुण रहे इसका बहुजन बंधुओं में दायित्व बोध कराने का सतत प्रयास जारी है ताकि हम पूर्ण आजादी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आगे हम बढ़ते हुए खुले अम्बेडकरी पथ को प्रस्तुत हमेशा करते रहें। यही है अम्बेडकर चेतना परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन। वर्ष 2018 में अम्बेडकर चेतना परिषद के विभिन्न इकाइयों द्वारा विभिन्न प्रकार के निरंतर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनकारी कार्यक्रम संपादित किए गए हैं। जैसे परिषद के हुसैनाबाद, मेदिनीनगर, लेसलीगंज, चैनपुर, कांडी, गढ़वा और नागपुर इकाइयों का खुले अम्बेडकर मिशन का अग्रसर करने में विशेष योगदान रहा है। इन इकाइयों के सदस्यगण गांव गांव में प्रतिदिन जाकर जोखिम उठाते हुए कठिनाइयों का प्रवाह न करते हुए ग्रामीण महिला पुरुष नवजुवकों को बुद्ध खुले अम्बेडकर मिशन से अवगत कराया, उन्हें मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा बहुजन संस्कृति तथा बहुजन महानायकों के संघर्ष इतिहास की जानकारी दी। जैसा कि हमारे विजय कुशवाहा जी ने जादू टोना के माध्यम से आपको प्रदर्शित किया कि जादू टोना कोई चीज नहीं, विज्ञान है। महिलाओं में सामाजिक सांस्कृतिक और संवैधानिक जागृति लाने के लिए समाज के मूल निवासी इतिहास और बहुजन नायकों द्वारा बहुजन समाज की मुक्ति और उन्नति के लिए अमूल्य योगदान के संबंध में रूप कराने का प्रयोग किया। ग्रामीण क्षेत्रों में 2016 से शुरू किए गए झोला पुस्तकालय कंधे में लटका कर कुछ पुस्तकों का एक किट है जो घर घर में हम लोग भिजवा कर पढ़वाते हैं और पुनः लौटाते हैं, ऐसा भी काम हम लोग ने शुरू किया। बहुजन समाज को श्रवण संस्कृति की ओर पुनः लौटने तथा बाबा साहेब अम्बेडकर के बौद्धमय भारत निर्माण की लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से प्रत्येक गाँव में झोला पुस्तकालय झोपड़ी बुद्ध विहार की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत है। जैसा कि हम लोगों ने कांडी में एक बुद्ध विहार बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा 10 कट्ठा जमीन हम लोगों ने हासिल किया है और उसी रास्ते पर हमारे डॉक्टर राजरतन जी हम लोगों के गाइडलाइन पर यहाँ उपस्थित हैं। विगत वर्ष केवल पलामू प्रमंडल में हम लोगों ने पौधा चार्ज की ट्रेनिंग दिया और उस ट्रेनिंग का हम लोगों ने कोशिश किया है कि बुद्ध के जितने भी विचारधारा है उसको हम लोग लागू करें। सावित्री बाई फूले बुद्ध विहार निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग प्रयासरत हैं और वह आगे बढ़ता जाएगा। परिषद के तत्वावधान में आयोजित किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रमों और गतिविधियों में खर्च किए गए लागत राशि सदस्यों के शिक्षकों द्वारा दिए गए दान राशि से जुटाए गए। परिषद द्वारा होने वाले सभी प्रकार की आय व्यय का प्रति वर्ष ऑडिट कराकर हम लोग कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और सबों के बीच हम लोग पेश आते हैं और बताते हैं कि हम लोग सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन में किए गए खर्च को किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पिछला वर्ष जो सत्र शुरू हुआ उसका ओपनिंग बैलेंस लेखा जोखा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। 2,68,379 रुपये हैं, जिसमें डोनेशन से 1,81,000 और मेंबरशिप से 11,700। अभी तक वर्तमान में हम लोगों को 4,61,000 रुपये वर्तमान में है और इसके लिए हम लोगों को एक बैंक है जिसमें खाता के माध्यम से हम लोग लेखा जोखा वहां पर रखते हैं और किसी भी तरह का कार्यक्रम पैसा नगद पॉकेट के द्वारा खर्च नहीं करके बल्कि चेक के माध्यम से करते हैं। तो यही मेरा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा जोखा है जो आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया, क्योंकि वार्षिक सम्मेलन में यह भी एक आवश्यक अंग है। हम इन्हीं बातों को कहते हुए जय भीम नमो बुधाय।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।